आज आप लोग को हम ये योग क्या, ये उपम कैसे बनता है दिखाएगा। ये हम लोग को निशी ट्रेडिशनल में बहुत चलता था, लेकिन आजकल कम दिखाई देता है। ये है जहाँ से हम लोग इसको तोड़ता है, ऐसे खिलता है। मैं हिंदी में सबको बता रहा हूँ क्योंकि हम सब समझे। और ये ऐसे खिलता है, खिलने का हम इसे तोड़ के ऐसे लाया। हम गया था बहुत दूर रिमोट एरिया, इनको ढूंढने के लिए गया था, क्योंकि आजकल ये ट्रेडिशनल चीज़ को कोई ये नहीं करता है। ये हम आग में ला के ऐसे भूनता है, भून के फिर उसको पूरा पकने तक, स्किन पकने तक हम लोग भूनता है, और पूरा ऐसे काला होने तक भून के तो इसी तरह फिर हम लोग चाकू से ऐसे करता है। ये 90s, 80s और 70s हम लोग माँ बाप और फादर हुआ करते थे, जो 70, 80 से आजकल जी रहा है वो लोग 100 एबव जीता था। इनके अंदर से हम लोग मिलेट अपुंग जो तमी ओपो से पीता था, ऑर्गेनिक चीज़ था। आजकल बहुत मिलावट केमिकल चीज़ हो गया, बोतल मिलता है, ये चीज़ को इस्तेमाल करता था। तो हम लोग ये स्किन उतार दिया, तो ऐसे हम स्किन को हटा दिया। स्किन को हटा के ऐसे तोड़ता है, तोड़ने के बाद इसको ये ऐसे अंदर निकल जाता है। ये हम न्यूजीलैंड में है और बहुत दूर से लाके बना रहा हूँ। मैंने देखा ने सुन के बनाया हूँ और मैं आज फिर रिवाइव कर रहा हूँ। इसका अंदर में हम लोग राख डालेंगे, गरम गरम राख ऐसे डालता है। तोड़ दिया और उसको होल बना के गरम गरम राख डालता है। डालने के बाद और इसमें हम लोग भर्ती डालेंगे, भर्ती डाल के फिर राख डाल के 7 से 10 दिन 11 दिन तक उसका अंदर राख डाल के हम लोग कहीं सड़ने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए कहीं भी घर के कॉर्नर छोड़ दिया जाता है। छोड़ के हम लोग फिर अफ्तर 10-11 दिन के बाद निकाल के इसका राख में जो सड़ गया, अंदर में सड़ गया जो सीड्स वगैरह है, इसको हम ऐसे थोड़ा खूट के नॉर्म बना के इसको पानी डाल के फिर हम लोग उल्टा लटका के बाहर निकाल ले जाता है। जितना अंदर में सड़ गया जो सीड्स है, जो अंदर में जो सड़ गया है, उसको हम लोग ऐसे बना के बाहर निकाला जाता है। फिर करने के बाद ये धूप में पहला स्टेप सुखाता है, जो उसका स्किन को तफ करने के लिए, स्किन जो तप था उसमें धूप में सुखाया जाता है। और उसके बाद ये आग है और हम लोग का ये निशी ट्रेडिशनल गर्म रपकी में ऐसे फिर सुखाया जाता है। कई दिन तक सुखाना पड़ता है, स्किन जो टप होगा, जो हम लोग सुखा के ये यो क्या बन रहा है, बन ही गया। जो हम लोग उसमें दारू जो वैन जो तमी ओपो से पीता था, स्टोर किया जाता था, दूर दूर तक ले जाता था, अब ये बन गया है, बन के ये तैयार हो गया, रेडी हो के अब हम लोग यहाँ में, आजकल का बच्चा लोग मालूम नहीं होगा तो देख लो, ऐसे बनाता था जो पुरना में, जो पानी जो हम लोग वाइन जो उसमें स्टोर करके पीता था। एक मूवी में, जो चाइनीज़ मूवी में भी देखने मिलता है, ड्रकर मस्तर में, और सबको ऐसे बनता है। और देखने के लिए, मेरा वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।